हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्ट फिफ्थ ऑफ चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रॉस प्राइस इफेक्ट और हाउ प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स अफेक्ट डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या है या हाउ जो प्राइसेस है रिलेटेड गुड्स के वो क्या करते हैं, एक कमोडिटी की डिमांड को कैसे अफेक्ट करते हैं। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे क्रॉस प्राइस इफेक्ट का मीनिंग क्या है, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑन द डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट। ओके, क्रॉस प्राइस इफेक्ट के हमारे पास द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस में चेंज आता है उसका अफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी, यानी कि एक कॉमोडिटी की डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो रिलेटेड गुड्स हैं, रिलेटेड गुड्स को हम कैटेगराइज करते हैं यहाँ पे टू पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट गुड एंड द सेकेंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स के हम मीनिंग डिस्कस कर चुके हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं टी एंड कॉफी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, डिपेंड होती हैं, यानी कि कार एंड पेट्रोल। हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की एग्जाम्पल इनको कंसिडर करेंगे और सब्स्टिट्यूट में इन एग्जाम्पल्स को कंसिडर करेंगे। ओके, फर्स्ट है हमारे पास के जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे, यानी कि उसमें हमारे पास क्या है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, यहां पे हमारे पास क्या है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू द प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, यहां पे हम क्या डिस्कस करेंगे कि जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। यहां पे हम टू केसेस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स टी एंड कॉफी को कंसिडर करेंगे, यानी कि इसको हम कैटेगराइज करते हैं टू पार्ट्स में। फर्स्ट है हमारे पास इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स सेकेंड हमारे पास डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, यहाँ पे क्या हमारे पास जब जो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, कर्व ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है हमारे पास, ये पॉइंट ऑफ ओरिजन है। यहाँ पे हम क्वांटिटी कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम प्राइसेस कंसिडर करेंगे, ये हमारे क्या है, प्राइसेस हैं। क्लियर? यहाँ पे हम प्राइसेस सब्स्टिट्यूट गुड्स के हमने प्राइसेस को इंक्रीज करते हुए शो करना है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास जो टी के प्राइसेस हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। क्लियर? यानी कि ये क्या है, टी के प्राइसेस हैं, ये क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे कॉफी के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट के प्राइसेस को हमने इंक्रीज करते हुए शो करना है। तो यहाँ पे हमारे पास टी का सब्स्टिट्यूट क्या है, यहाँ पे कॉफी, यानी कि कॉफी के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर? हम एक यहाँ पे डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे, ये क्या है, टी वन, यानी कि ये क्या है, टी की डिमांड को शो कर रहा है। अगर हमने यहाँ पे क्या है कि कॉफी के प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं तो टी की डिमांड ज्यादा होगी, तो यानी कि टी की डिमांड क्या है, ज्यादा हो रही है यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे ये क्या था, ए पॉइंट था, ये है बी पॉइंट, यानी कि जो टी की डिमांड है वो क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये टी वन है, ये टी टू, यानी कि ये भी क्या है, टी की डिमांड है। तो इस केस में जो हमारा डिमांड कर्व है वो क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट।
ओके तो ये है हमारे पास सिंपल इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स का कर्व, डिमांड कर्व। ओके तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइसेस को कांस्टेंट कंसीडर किया है। तो यहाँ पे हमारे कॉफी के यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमने सिंपल पहले डिमांड कर्व ड्रॉ किया। तो अब हमने क्या करना है कि जो डिमांड कर्व जो टी है, टी की डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमने क्या किया, डिमांड कर्व को राइटवर्ड में शिफ्ट कर दिया, यानी कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या हो रहा है, फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ओके नेक्स्ट है हमारे पास जब जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसके प्राइसेस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि इस केस में क्या है कि कॉफी के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ओके तो हम क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम क्वांटिटी कंसिडर करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ऑफ ओरिजन, यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे हम प्राइसेस को कंसिडर करेंगे। ये हमारे क्या है, प्राइसेस क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्लियर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले टी की डिमांड हमें ये दे रखी है, क्लियर। तो अब हमने क्या करना है, कॉफी के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर क्या करेंगे, कॉफी की डिमांड करेंगे। तो उस केस में जो टी की डिमांड है वो क्या होगी, कम होगी, यानी कि D1 से यहाँ पे क्या हो जाएगी, D2 हो जाएगी, यानी कि A पॉइंट से B पॉइंट, यानी कि इधर शिफ्ट हो रही है, क्लियर। यानी कि ये क्या, कहाँ शिफ्ट हो रही है, बैकवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ओके तो ये क्या है हमारे पास, सिंपल अगर हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं, फर्स्ट है हमारे पास इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, उस केस में हमने क्या करना है, प्राइसेस को कांस्टेंट रखना है, क्लियर। उस केस में हमारे कॉफी के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस केस में जो टी की डिमांड है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी सबसे पहले हमने ये कर्व ड्रॉ किया, अब टी की डिमांड ज्यादा हो रही है तो एक और कर्व ड्रॉ आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, फॉरवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट, क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या शो करना है कि टी की डिमांड क्या है, ज्यादा है। ओके यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉफी के प्राइसेस रिड्यूस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, जो टी की डिमांड है वो क्या होगी, कम होगी, क्लियर। क्योंकि कॉफी के प्राइसेस कम हो रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, कॉफी का कंजप्शन करना ही पसंद करेंगे। ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले सिंपल हमने डिमांड कर्व ड्रॉ किया, तो अब क्या है, टी की जो डिमांड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हमने एक और डिमांड कर्व इधर की साइड ड्रॉ किया। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा डिमांड कर्व है यानी कि बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, क्लियर। तो ऐसे हमने क्या किया, इसको शो किया। ओके नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं, जो क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं, क्लियर। फर्स्ट है हमारे पास, हम यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करते हैं, कार एंड पेट्रोल, क्लियर। अगर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्लियर। यानी कि अगर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड हमारे पास क्या है, पेट्रोल है, अगर पेट्रोल के प्राइसेस क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं, क्लियर, तो जो कार की डिमांड है वो क्या होगी, कम होगी, क्लियर। ऑब्वियस ही बात, अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो कार की डिमांड तो ऑब्वियस है कि कम होगी, क्लियर। तो हम इसका डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे पॉइंट ऑफ ओरिजन, वाई एक्सिस, यहाँ पे हम प्राइसेस को कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम क्वांटिटी कंसिडर करेंगे, ये हमारे प्राइसेस हैं P1। उस केस में हमने क्या करना है कि ये क्या है हमारे पास, ये सिंपल हमने डिमांड कर्व ड्रॉ किया D1। तो अब क्या है कि जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, यहाँ पे हमने क्या शो करना है, इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्लियर। हमने ये शो करना है जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, क्लियर। तो क्या होगा, जो डिमांड है, डिमांड ऑफ कार क्या होगी, रिड्यूस होएगी। यहाँ पे हमने क्या करना है, कार्स को कंसिडर करना है, यानी कि कार की डिमांड को शो करना है, क्लियर। यानी कि ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, तो कार की डिमांड क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो क्या होएगा, बैकवर्ड शिफ्ट करेगा हमारा डिमांड कर्व। ओके बैकवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, क्लियर। यानी कि बैकवर्ड शिफ्ट, तो यहां पे हमने क्वांटिटी को भी हम ऐसे कंसीडर कर लेंगे, यहां पे हमने क्या करना है, Q2, यहां पे Q1, यहां पे भी हम इन कर्व्स को भी सेम एज इट इज शो करेंगे, Q1 Q2। ओके यहां पे भी, ओके नेक्स्ट हम करेंगे, जब हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनके प्राइसेस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हम इस केस को डिस्कस करेंगे। जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये प्राइसेस को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हमने डिमांड को शो करना है, कार की डिमांड, क्लियर। अब क्या है,
कि अगर क्या है पेट्रोल के प्राइसेस कम हो रहे हैं, क्लियर। यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या किया है, कार और पेट्रोल को कंसिडर किया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पेट्रोल के प्राइसेस कम हो रहे हैं, क्लियर। अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, कार की डिमांड करेंगे। तो उस केस में जो हमारा डिमांड कर्व है वो क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, यानी कि D1 से D2, यानी कि डिमांड क्या होगी इस केस में, कार की डिमांड क्या होगी इस केस में, ज्यादा होगी। ओके, क्लियर। ओके, तो इस केस में जो हमारा डिमांड कर्व है वो क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। ओके, क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। यहां पे हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे कि डिमांड और इनकम में क्या रिलेशन है, क्लियर। अगर एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, क्लियर, यानी कि अगर एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो वो डिमांड भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा, क्लियर। ओके, तो वो क्या करेगा, ज्यादातर अपनी इनकम का जो पार्ट है वो क्या करेगा, लग्जरियस गुड्स पे या असेंशियल गुड्स पे अपना इनकम का पार्ट क्या करेगा, स्पेंड करेगा। ओके, अगर उसकी इनकम क्या है, कम है, तो वो क्या होएगा, इन्फीरियर गुड्स की या पुअर क्वालिटीज की गुड्स की तरफ क्या होएगा, शिफ्ट होएगा अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा रिलेशनशिप है इनकम और डिमांड का, हम यहाँ पे टू गुड्स के बेसिस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी इनकम को क्या करेंगे, टू गुड्स के बेसिस पे क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे, क्लियर। हम यहाँ पे टू गुड्स कंसिडर करते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड द सेकेंड वन इज इन्फीरियर गुड्स। ओके, नॉर्मल गुड्स के केसेस में क्या होता है कि जब एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो वो डिमांड भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्लियर। किस चीज की डिमांड करते हैं, नॉर्मल गुड्स की। ओके, अगर इस यहाँ पे क्या है कि जो इनकम है और डिमांड है उसमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ओके, यहाँ पे नॉर्मल गुड्स के केसेस में क्या होता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनकम और डिमांड के बीच में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स के केसेस में क्या होता है कि अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स क्या होती है, फॉल होती है, यानी कि कम होती है। तो इस केस में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड्स। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड्स चेंजेस व्हेन द इनकम ऑफ, इनकम को हम वाई से डिनोट करेंगे, बायर्स चेंजेस। ये हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि जो डिमांड कर्व है नॉर्मल गुड्स का वो कैसे चेंज होता है जब बायर की इनकम चेंज होती है, क्लियर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू केसेस को स्टडी करेंगे, जब बायर की इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन इनकम, एंड सेकेंड वन इज डिक्रीज इन इनकम। ओके, क्लियर। फर्स्ट केस है हमारे पास जब बायर की इनकम इंक्रीज हो रही है, क्लियर। इनकम इंक्रीज होगी तो वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा पार्ट अपने इनकम का किस पे खर्च करेगा, नॉर्मल गुड्स पे। ओके, अगर उसकी इनकम कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, क्लियर, उसने अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करना है तो वो क्या करेगा, इन्फीरियर गुड्स की तरफ क्या करेगा, अपनी डिमांड को शिफ्ट करेगा। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्व, डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे, उसमें हम रिलेशनशिप को शो करेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजन, क्वांटिटी, प्राइसेस। यहाँ पे हमारे जो प्राइसेस हैं वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। ओके, यानी कि प्राइसेस क्या रहेंगे हमारे, कॉन्स्टेंट। ओके, ये क्या हमारे, पी मीन्स प्राइजेस, क्लियर। अब हमने क्या करना है, ये सिंपल डिमांड कर्व है, नॉर्मल गुड्स के केसेस में जो कंज्यूमर की डिमांड है वो क्या है, ये है डी, है डी वन, क्लियर। अगर जो उनकी जो कंज्यूमर एक बायर है, क्लियर, अगर एक बायर की इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो डिमांड भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा, तो डिमांड कर्व क्या होएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, यानी कि ए से बी, क्लियर। ये क्या हमारे पास डी टू, यानी कि ये क्या चीज शो कर रहा है, इंक्रीज इन इनकम। ओके, अगर क्या है उसकी इनकम कम है, क्लियर, तो जो डिमांड कर्व है वो क्या है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, क्लियर,
यानी कि सी, यानी कि ए टू सी, ए टू बी क्या है इंक्रीज इन इनकम को शो कर रहा है, ए टू सी क्या है डिक्रीज इन इनकम को शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे डी थ्री। ओके तो ये क्या है हमारी नॉर्मल जो कंज्यूमर है उसकी क्या है डिमांड है, क्लियर। अगर उसकी क्या इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो डिमांड क्या कर रहा है ज्यादा कर रहा है, क्लियर। इंक्रीज इन इनकम के केस में क्या होएगा जो डिमांड कर्व है वो क्या होएगा फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो उस केस में क्या करेगा जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा बैकवर्ड शिफ्ट होगा, क्लियर। ये तो था हमारे पास नॉर्मल गुड्स का केस। ओके अब हम डिस्कस करेंगे इंफीरियर गुड्स के केसेस में क्या होता है कि जब एक बायर की इनकम क्या होती है इंक्रीज होती है, यानी कि ये क्या रिवर्स रिलेशन है यहाँ पे, क्लियर। इंफीरियर गुड्स का और नॉर्मल गुड्स का क्या इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि हमने यहाँ पे क्या शो किया जब इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो डिमांड भी ज्यादा करेगा नॉर्मल गुड्स की, क्लियर। इंफीरियर गुड्स के केसेस में क्या होते हैं इंफीरियर गुड्स, यहाँ पे हम टू केसेस को स्टडी करेंगे इंक्रीज इन इनकम और डिक्रीज इन इनकम। ओके जब क्या है बायर की इनकम क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है तो वो डिमांड क्या करता है इंफीरियर गुड्स की कम करता है, क्लियर। तो क्योंकि वो भी क्या करेगा अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो जरूरी थोड़ा ना वो क्या करेगा इन्फीरियर गुड्स पे अपनी इनकम को स्पेंड करेगा, वो क्या करेगा वो भी नॉर्मल गुड्स की तरफ क्या करेगा अपनी डिमांड को शिफ्ट करेगा, क्लियर। इस वजह से जो डिमांड है वो क्या होती है यहाँ पे कम होती है। ओके नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीज इन इनकम। डिक्रीज इन इनकम के केस में क्या है कि अगर उसकी इनकम क्या है कॉन्स्टेंट है यानी कि ज्यादा बढ़ नहीं रही, यानी कि अगर उसकी इनकम क्या है इंक्रीज नहीं हो रही तो उस केस में क्या है उसको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा डिमांड इन्फीरियर गुड्स की करनी ही पड़ेगी, यानी कि उस केस में जो डिमांड है वो क्या होगी इंक्रीज होगी इन्फीरियर गुड्स की। ओके तो यहाँ पे हम सिंपल एक डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम क्वांटिटी को कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम प्राइजेस को कंसिडर करेंगे, ये प्राइजेस हैं जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट कंसिडर करेंगे, ये क्या है जो डिमांड है इन्फीरियर गुड्स की। सबसे पहले हमने ये डिमांड कर्व ड्रॉ किया, अगर क्या है इनकम इंक्रीज हो रही है क्लियर तो डिमांड क्या होगी कम होगी, क्लियर। यहाँ पे क्या है कि अगर इनकम क्या हो रही है कम हो रही है, क्लियर। डिक्रीज इन इनकम के केस में जो डिमांड है वो क्या होगी इंक्रीज होगी, क्लियर। यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे डी टू, यानी कि ये ए है ये पॉइंट बी है, क्लियर। यानी कि ये क्या शो कर रहा है डिक्रीज इन इनकम, क्लियर। यानी कि जब इनकम डिक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। यहां पे हम क्या है एक डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे, ये क्या शो कर रहा है ये सी पॉइंट है, क्लियर। अगर यहां पे क्या है कि जो इनकम है वो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या हो रही है यहां पे रिड्यूस हो रही है। ओके यानी कि इंक्रीज इन इनकम के केस में क्या होएगा कि जो डिमांड कर्व है बैकवर्ड शिफ्ट करेगा और डिक्रीज इन इनकम के केस में जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है तो इसलिए यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो क्या करेगा फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, क्लियर। ये किस चीज को शो कर रहा है इंक्रीज इन इनकम को। ओके तो ये था हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, क्लियर, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स। ओके नाउ लास्ट टॉपिक है हमारे पास इंपैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑन डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ओके यहां पे हमने क्या करना है इंपैक्ट को डिस्कस करना है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके यहां पे हमारे थ्री फैक्टर्स हैं, यानी कि हम यहां पे थ्री फैक्टर्स की बात करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, सेकेंड है हमारे पास ट्रेंड्स एंड फैशंस, एंड द लास्ट वन इज क्लाइमेटिक एनवायरमेंट। ओके फर्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, क्लियर। एक इंडिविजुअल बाय करता है ज्यादा बाय करता है क्वांटिटी को या कम बाय करता है, क्लियर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है उसके लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर। ओके यानी कि अगर उसको पसंद है तो वो ज्यादा बाय करेगा, अगर पसंद नहीं है तो वो कम बाय करेगा या नहीं भी बाय करेगा। ओके यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। ओके नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेंड्स एंड फैशंस, एक कंज्यूमर क्या करेगा अगर तो उसको मार्केट में क्या है उसके
टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग यानी कि ट्रेंड्स और फैशंस के अकॉर्डिंग उसको गुड्स अवेलेबल हो रही हैं तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा, अदरवाइज डिमांड कम करेगा। लास्ट है हमारे पास क्लाइमेटिक एनवायरमेंट। एक कंज्यूमर के जो टेस्टेज एंड प्रेफरेंसेज हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? क्लाइमेटिक एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लियर? अगर तो विंटर है तो वो क्या करेगा? विंटर क्लॉथ्स की डिमांड करेगा। क्लियर? अगर हम क्लॉथ्स की बात करें तो वो क्या करेगा? विंटर क्लॉथ्स की डिमांड करेगा। अगर समर सीजन है तो वो क्या करेगा? कॉटन क्लॉथ्स की डिमांड करेगा। ओके, तो ये क्या है, हमने यहाँ पे क्या स्टडी किया? इम्पैक्ट को स्टडी किया है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का डिमांड एक कमोडिटी की डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या थे? 3 फैक्टर्स थे जिनको हमने वन बाय वन स्टडी किया। ओके, लास्ट टॉपिक है हमारे पास फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ओके, नाउ हमारे पास क्या है? फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। क्लियर? यहाँ पे क्या है कि अगर क्या हो रहे हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में फेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं तो क्या सिचुएशन होगी? फेवरेबल के केसेस में क्या होगी कि प्राइजेस क्या है, सेम है, तो जो कंज्यूमर है, क्लियर, वो क्या करेगा? डिमांड को ज्यादा करेगा। क्लियर? क्योंकि उसके जो चेंजेस हैं वो क्या हो रहे हैं, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, तो वो डिमांड क्या करेगा? ज्यादा करेगा। तो उस केस में जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा? फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट। ओके, एंड रिवर्स है अनफेवरेबल चेंजेस का। अगर क्या हो रहे हैं, जो चेंजेस हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में वो क्या हो रहे हैं, अनफेवरेबल हो रहे हैं, तो उस केस में जो डिमांड है वो क्या होगी? रिड्यूस होगी। क्लियर? और जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा? बैकवर्ड शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट। क्लियर? इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से स्टडी करेंगे। ये है प्राइसेस, ये है इंडिविजुअल की डिमांड। क्लियर? अगर क्या हो रहे हैं, फेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि ये क्या है, ए पॉइंट है, ये डी वन है। क्लियर? यानी कि यहाँ पे हमने क्वांटिटी कंसिडर करनी है, यहाँ पे हमने प्राइसेस कंसिडर करने हैं। ओके, ये क्या इंडिविजुअल की डिमांड है। क्लियर? अगर क्या हो रहे हैं, फेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं, क्लियर, तो जो डिमांड है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्लियर? यानी कि D2, ये क्या हो रही है, इंक्रीज होगी। क्लियर? यहाँ पे हमने क्या शो करना है? फेवरेबल चेंजेस एंड इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि अगर क्या है, जो चेंजेस है वो फेवरेबल नहीं हो रहे, यानी कि अनफेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं, तो उस केस में जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा? बैकवर्ड शिफ्ट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, अनफेवरेबल चेंजेस एंड डिमांड कर्व शिफ्ट टू बैकवर्ड पोजिशन। ओके, तो ये था हमारे पास सिंपल टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज ऑन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, जिसमें हमने क्या स्टडी किया है, 3 फैक्टर्स को स्टडी किया है, और देन हमारे पास क्या थे, फेवरेबल और अनफेवरेबल चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 5th ऑफ चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।